हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो हिटमी 05। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी की बैठक में तीन मुद्दे को उठाया गया। सबसे पहला मोरेटोरियम, दूसरा वित्तीय लाभ यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट, और तीसरा लोन रिकास्ट। इन तीनों के बारे में बात करेंगे जो अभी देश के हालात हैं। कोरोना डेली पे डेली जो हमारे सामने न्यूज़ आ रही है उसमें यही पता चलता है कि कोरोना डेली एक नया रूप लेके आ रही है और बहुत ज़्यादा बुरा हालत हो गया है फिलहाल अभी हमारे देश का। लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके दुकान है वो अपने शॉप को खोल नहीं पाते, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, जिससे अभी ये संभव नहीं है कि वो अपने लोन ईएमआई की पेमेंट कर सके। जब आप अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाते हो तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी कंटिन्यू आपको परेशान करते हैं, आपके लोन अकाउंट को डीग्रेड करते हैं, आपको एनपीए में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तीन मुद्दों के बारे में बात की गई। सबसे पहला मोरेटोरियम, अगर अभी आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कराया जाता तो सभी के लोन अकाउंट एनपीए में चले जाएंगे और रिकवरी एजेंट कंटिन्यू परेशान करेंगे। लोग ऐसे ही कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काफ़ी परेशान है। ऊपर से अगर आपको ईएमआई के लिए परेशान किया गया तो बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, वो उनका बिजनेस चल नहीं रहा, तो कृपया करके उन्हें मोरेटोरियम देने की कृपा करें या बैंक को आप ये निर्देश दे दें कि अभी ईएमआई के लिए परेशान ना करें। तो फिलहाल एक मुद्दा ये है कि उन्हें मोरेटोरियम देना चाहिए या नहीं। दूसरा फाइनेंशियल हेल्प, जैसे कि आपको पता था पिछले साल जब कोरोना के कारण लोग घर पर बैठ गए थे तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये 500-500 वाली स्कीम लेके आई थी और बहुत तरह से लोन का भी ऑफर दिया था कि जो लोग घर पर रह के अपना व्यापार करना चाहते हैं, बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं उनके खाते में भी 500-500 रुपये गए थे, एक वित्तीय लाभ के रूप में गवर्नमेंट द्वारा की गई सहायता थी। तो इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और तीसरा लोन रिकास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको मोरेटोरियम नहीं दिया गया तो लोन रिकास्ट आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। लोन रिकास्ट में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? सबसे पहले आप अपने ईएमआई को रोक सकते हो। अगर आप चाहो तो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना पेमेंट कर सकते हो। आप ज़्यादा ईएमआई नहीं देना चाहते तो इसमें कम भी दे सकते हो। ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो उनके मीटिंग में रखे गए, उनके बैठक में सुनवाई के लिए गए। इस पर कितनी जल्दी सुनवाई हो जाती है और आपको इसका कितना जल्दी फ़ायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपको इन तीनों में से क्या चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए। आपको अभी मोरेटोरियम चाहिए या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या आपको अभी लोन रिकास्ट चाहिए? आपके जो भी ऑप्शन होंगे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में मेंशन कर पाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो बढ़िया सा एक लाइक कर दें। मैं इसी तरह की और भी न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बेसिकली मैं न्यूज़ नहीं लाता, मैं आपके लिए एक अपडेट लाता हूँ जिससे किसी को कुछ हेल्प मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।